नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुराश। लखनऊ के काकोरी में यूपी एटीएस को एक गैराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला। इसके बाद कार्रवाई में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, 5 फरार अभी भी हैं। 3 घरों में कमांडों की तलाशी हो रही है और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद होने की भी सूचना है। इसमें कुकर और टाइमर बम भी शामिल हैं। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर के दायरे में बने घर को खाली करा लिया है, पूरे इलाके को सील किया गया है। इस बीच प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया है कि एटीएस ने अलकायदा के अंसार गजबातुल हिंद के 2 आतंकी मिनहाज अहमद और मसूरुद्दीन उर्फ मुशीर को अरेस्ट किया है। इनके पास से विस्फोटक और असलहे बरामद हुए हैं। एडीजी ने यह भी कहा है कि 15 अगस्त के आसपास धमाके की योजना थी और भीड़ वाले इलाके आतंकियों के निशाने पर थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने यह भी कहा कि फरार लोगों की तलाश हो रही है। यूपी के कई इलाकों के अलावा खासकर लखनऊ को दहलाने की साजिश भी रची जा रही थी, मानव बम बनाकर विस्फोट करने की साजिश थी। आतंकी साजिश नाकाम एटीएस के द्वारा की गई है। तो आज हुई कार्रवाई की ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अलकायदा कि जो आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, भारी विस्फोटक सामग्री इनके पास से बरामद हुई और एटीएस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। अब टेरर प्लान क्या है ये भी समझ लें। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का ये बड़ा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को चलाते हुए 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। अलकायदा के ये दोनों संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं और इनसे अब पूछताछ में आगे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यूपी के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही थी। इसमें बड़ी बात यह है कि पाक हैंडलर्स के संपर्क में ये सभी आतंकी थे जो कि पकड़े गए हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के कई शहरों में यूपी एटीएस ने छापेमारी की है और कनेक्शन वहां से भी अब जुड़ रहा है। भीड़ वाले इलाके इनके निशाने पर थे जहां पर दहलाने की साजिश ये आतंकी रच रहे थे। पाक हैंडलर उमर अल मंदी के संपर्क में ये दोनों आतंकी बताए जा रहे हैं जिनको एटीएस में लखनऊ ने गिरफ्तार किया है। अलकायदा ने 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था। इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ यूपी के संबल का रहने वाला है। तो अलकायदा का जो यूपी कनेक्शन है ये भी आप समझें। मौलाना असीम उमर अलकायदा का इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ है और ये तार अब एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मौलाना असीम उमर को अफगान एजेंसियों ने मार गिराया था और अलकायदा का जो यूपी कनेक्शन है वो भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। असीम उमर के बाद अलकायदा के स्लीपर सेल्स लगातार पकड़े गए और 3 साल पहले काकोरी इलाके में ही सैफुल्लाह का भी एनकाउंटर हुआ था और 8 मार्च 2017 को 11 घंटे तक चले ऑपरेशन में सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया था। तो कैसे जो कनेक्शन है अलकायदा का जुड़ा हुआ है, इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट में भी जो स्लीपर सेल्स हैं वो कैसे एक्टिव थे, उनको कैसे मार गिराया गया, ये सब आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऑपरेशन में 23 सितंबर 2019 को यह मारा गया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमोनी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे उमर हलमंडी, और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उमर हलमंडी और ये गतिविधियाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती
तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। नाज, नसीरुद्दीन व शकील इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। तो वहीं लखनऊ में एटीएस ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है और आज 2 आतंकियों को लखनऊ में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर के फोन से हमारे सहयोगी ने एटीएस चीफ जीके गोस्वामी के साथ बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार, खुर्रम बोल रहे हैं टेन्यूज से। हाँ, खुर्रम बोलो बोलो। सर 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 ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ था सर दुबग्गा में, क्या क्या से इनपुट मिला था सर आपको? नहीं, ये इनपुट हमारा टेक इनपुट था, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी जी सर। तो इस सबको मिला करके हम लोगों का चूंकि ऑपरेशनल वर्क चलता रहता है और हमारे यहाँ इसके लिए अलग से स्पेशल सेल भी बनी हुई है इस काम के लिए, जो एंटी टेरर के लिए जी सर। तो उन इनपुट को हमने डेवलप किया जिससे जो अलकायदा का ये आउटफिट है जो श्रीनगर में पाकिस्तान में इधर से ये सारा का सारा ऑपरेट करता है जी सर। तो उसी का ये जो अलकायदा का एक ग्रुप था जो उसका एक कहना चाहिए कि उसका एक डिवीजन कह लीजिए या उसका एक पार्ट है जी जी, जिसका नाम है अंसार गजवातुल हिंद AGH। ओके, तो इसके अंतर्गत ये काम करने वाला जो इसको जो चलाने वाला जो इसका एक तरीके से मास्टरमाइंड है वो उमर हलमंडी है जी सर। उमर उलमंदी बोलते हैं या हलमंदी, मतलब उमर हलमंदी है। ओके सर। जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर है जी सर, पेशावर क्वाटा साइड में उधर से ऑपरेट करता है जी सर। और इसका काम है कि ये जो इंडिया में AQIS अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल में डिफरेंट मॉड्यूल चलाता है ये टेरर फैलाने के लिए। ओके, तो ये क्या करता है कि पहले लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, इनका एक पूरा प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको ट्रेंड करते हैं और फिर उनको पैसा दे करके मोटिवेट करते हैं कि ये टेरर एक्टिविटीज करें। ओके सर। और ये जनरली लोकल लोगों को चुनते हैं ताकि अगर वो पकड़े भी जाएं तो इन तक कोई ना पहुंच पाए। ओके सर। तो लोकल लोगों को ये इस काम के लिए करते हैं। तो ये जो मॉड्यूल जो इन्होंने लखनऊ में एक तैयार किया था, इसका उद्देश्य लखनऊ और शहरों में भी जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं या और ऐसे भीड़भाड़ वाले इलाके, वहां पे इन्हें सीरियल ब्लास्ट करने थे। और ये भी इनपुट है कि ये ह्यूमन बॉम्ब के रूप में भी यूज होने थे, जो जानकारी मिली है इस पे भी और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसी को डेवलप करते हुए आज एटीएस ने कई जगह छापेमारी की, जहां से 2 लोगों को मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन, 2 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके घर से जो एक तो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, वेपन बरामद हुआ है और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सबसे है वो है प्रेशर कुकर के जो बॉम्ब है वो लाइव मिले हैं, जिसे हमने लोकल जो एंटी बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है BDS उसको ही सहायता से उनको न्यूट्रलाइज कराया है। ओके। और इनसे फिर पूछताछ अभी चल रही है, कल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर इनसे इन्हें PCR पे लिया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड पे, जिससे और इनमें डिटेल में इनसे जानकारी करके और पूरे गैंग को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सर वेपन्स कौन से मिले इनके पास अगर बता पाए? इनके पास एक रिवॉल्वर या पिस्टल है, अभी वो चूंकि सील है मैन तो उसको देख नहीं पाया था, बट एक वेपन है, स्मॉल वेपन है जी सर। और लेकिन जो एक्सप्लोसिव है वो हाई क्वालिटी का है और मात्रा काफी है। सर दूसरा बड़ा सवाल सर, ये कुछ रेकी भी आप लोगों ने पहले की थी या फिर सीधे आप लोगों ने छापा मारा था? नहीं देखिए, वो तो तरीके होते हैं उसको डेवलप करने के, पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिली फिर आप उसको
डेवलप करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे किसी जगह चले जाओगे, तो वो सारी प्रक्रिया उसको इस तरीके से डिस्क्लोज करना ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उचित नहीं। चार लोग बता रहे हैं फरार हो गए थे सर, ऐसा भी कुछ है? अब ये एग्जैक्ट संख्या अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो इन्होंने बताया वो ये कभी दो बताते हैं कभी चार बताते हैं, तो अभी और इनसे पूछताछ की जाएगी तो ये उनके नाम बताएंगे, डिटेल बताएंगे। सर इनका मकसद, तो अभी ये विवेचना का विषय है जिसे और गहराई से छानबीन की जाएगी। तो ये थे एटीएस चीफ जीके गोस्वामी साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी, ये लोग ट्रैक पर थे, आईबी से इनपुट मिला था और अब एक बड़ा कैच मिला है, इसके जरिए जो पूरा मॉड्यूल है उसको तबाह किया जाएगा। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो पूरा ये कैच है ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो पूरा सिस्टम था अलकायदा ओरिएंटेड का उसको बस्ट करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल ये रिमांड पर कर लिए जाएंगे ये दोनों जिनको अरेस्ट किया गया है और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जीके गोस्वामी जो आईजी हैं एटीएस उत्तर प्रदेश एटीएस के, इनको पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ये पूरा जो गैंग है, ये पूरी टीम है वो बस्ट होगी। और ये बात भी है कि इसकी वजह से एक बड़ा जो कांड हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, दुर्घटना हो सकती थी उत्तर प्रदेश में कई शहरों में, वो रोकी जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आतंकियों के मिलने के बाद सीतापुर जिला भी अब अलर्ट मोड पर है और शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। इसमें रोडवेज बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मुख्य चौराहों पर पुलिस ने चेकिंग की है। इंडिया न्यूज ने रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया है, आप भी देखिए। आतंकियों को पकड़ने के बाद आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में लगभग अलर्ट जारी हो चुका है, उसके बाद सीतापुर में भी अलर्ट जारी हुआ, जिसको लेकर सीतापुर पुलिस प्रशासन के द्वारा सारे थाना अध्यक्ष और को आदेश कर दिया गया कि पूरे जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हम आपको कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएंगे, हम इसमें मौजूद हैं सीतापुर रोडवेज पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं और वो एक एक यात्रियों के सामान और लगेज चेक कर रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएंगे किस तरीके से सामान चेक किया जा रहा है एक एक आदमी का। यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद हैं और एहतियात के तौर पर हर एक आदमी का बैग खोल कर चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके कोई संदिग्ध वस्तु इसमें तो नहीं है। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से रोडवेज पर बैठे यात्रियों से पूछताछ की जा रही है कि कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, एक एक तरीके से, क्योंकि जो अलर्ट जारी हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लोगों के दस्तावेज फेंके गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लोग आए हुए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको चारों तरफ दिखाएंगे किस तरीके से पुलिस अलर्ट है। ये बताइए आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ पर सीतापुर से आया। ये पुलिस वाले क्या आपसे पूछ रहे थे, किस तरीके की जानकारी ले रहे थे? हाँ, जानकारी कुछ नहीं, बस कहाँ जा रहे हो, क्या जो बस फॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, क्या हो क्या नहीं। देखिए हमारी इनसे बात हुई, इनका ये कहना भी है कि पुलिस वाले इनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहर कोतवाल मौजूद है, लोगों के बैग चेक कर रहे हैं, किस जो लोग यहाँ से आए उनकी आईडी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए। पूरी तरीके से किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस के द्वारा नहीं बरती जा रही है अलर्ट जारी होने के बाद, क्योंकि जो अलर्ट जारी हुआ है बहुत संदिग्ध बताया गया, क्योंकि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे ये भी जानकारी मिल रही है, कुछ लोग अड़ोस पड़ोस जिलों में भी गए हुए हैं, जिसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। और पुलिस लोगों की किस तरीके से सघन चेकिंग अभियान कर रहा है, अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाएंगे, देख लीजिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा तो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, एक एक आदमी की तलाशी ली जा रही है, किसी तरह की कोई लापरवाही पुलिस के द्वारा नहीं की जा रही है। रोहित वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, सीतापुर। तो एटीएस के द्वारा लखनऊ में दो आतंकियों के पकड़े जाने के बाद गोरखपुर में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया और इसी का जायजा हमारे संवाददाता सुशील कुमार ले लिया है, आप भी देखिए। लखनऊ में मिले जानकारी के बाद एटीएस की छापेमारी में तकरीबन तीन जो है आतंकी संदिग्ध पकड़े गए, जिनमें से पांच अभी फरार हैं। तीन के पकड़े जाने के बाद पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और इस समय हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे कि यहां पे अलर्ट जारी किया गया हर जगह, केवल यही नहीं बल्कि जो है लखनऊ में जब इस तरह के मामले सामने आए तो तत्काल जो है सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव सहित तमाम, रायबरेली सहित तमाम जिलों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस पूरे छापेमारी में तकरीबन सात ऐसे संदिग्ध थे जिनमें से पाँच में कामयाब हो गए और तीन को जो है एटीएस ने गिरफ्तार किया है। खबर यह भी मिल रही है कि साहिद खान गुड्डू ने जो है कुछ कागजात
शख्स थे जिसको पकड़े जाने के बाद उसने पहले ही उसे जला दिया। उसके बाद आतंकियों का जो अगर बात करें तो उसमें एक वसीम नाम का व्यक्ति है जो पकड़ा गया है, वो भी संदिग्ध है। और पड़ोसी की अगर बात करें जहाँ पर पूरी कार्रवाई हुई है उसके पड़ोसी की बात करें तो शाहिद का जो मोटर वर्कशॉप है 8 से 9 साल पहले वो सऊदी गया था, वहीं पर संभवतः इसकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद से इसने जो है इन जो है संदिग्धों के साथ जो है मुलाकात की थी और उसके बाद से आज इस तरह की बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे कार्रवाई को लेकर के कहीं ना कहीं एटीएस की जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के रायबरेली, हरदोई और लखनऊ सहित तमाम जगहों पर, गोरखपुर सहित तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, ताकि चूंकि भारत नेपाल की खुली सीमा होने के नाते भी ये गोरखपुर संवेदनशील है, ऐसे में पूरी तरह से हाई अलर्ट होने के बाद अब लोग भी सतर्क हो गए हैं और पुलिस पूरी तरीके से नाकाबंदी करके उस संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो एटीएस के द्वारा लखनऊ में 2 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद बनारस में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पीएम मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे के मद्देनजर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक पहले से ही वाराणसी में मौजूद हैं। इस बीच लखनऊ से आतंकियों के पकड़े जाने की खबर लगते ही बनारस में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है और पुलिस बेहद सक्रिय हो गई है। 2 आतंकियों को पकड़ने के बाद बनारस में भी पुलिस पूरी हाई अलर्ट पे है। बनारस के जिला प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पे है। जी आपको बता दूं, मैं बनारस के गदोलिया चौराहे पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं चाक चौबंद व्यवस्था से लगे हैं और हर आने जाने वालों पे जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर नज़र बनाई जा रही है और एकदम हाई अलर्ट पे किया गया है। जैसा आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बनारस का प्रस्तावित जो है यात्रा का कार्यक्रम बना हुआ है, उसको देखते हुए शहर में प्रदेश के मुख्य सचिव के समेत पुलिस महानिदेशक भी वाराणसी में ही हैं और अधिकारियों के संग बात कर रहे हैं कि इस बीच लखनऊ से एटीएस द्वारा 2 आतंकियों को पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। उसको देखते हुए बनारस में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है और बनारस में गदोलिया चौराहे पर आप देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है पूरा चाक चौबंद व्यवस्था से एकदम चप्पे चप्पे पे नजर बनाया हुआ है। आप देखिए इधर भी पुलिस लगी हुई है और उधर आगे चौराहे पे भी जो पुलिस की जो ओपीसी की बस लगी हुई है, काफी मात्रा में सुरक्षा कर्मी यहाँ पे हैं। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज चतुर्वेदी। तो यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद फरार 4 संदिग्ध आतंकियों के तलाश में लखनऊ कमिश्नरेट के अड़ोस पड़ोस के जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता आलोक सिंह ने हरदोई के सबसे व्यस्ततम सिनेमा चौराहे की स्थिति का जायजा लिया है, देखिए। खुशहाल जिंदगियों को नरक बनाने का एक और मंसूबा यूपी एटीएस ने फेल कर दिया है। पूरी तरीके से दुबग्गे इलाके में पुलिस यूपी एटीएस ने एक घर पर छापा मारा जिसमें उनका कहना है कि 7 से 8 संदिग्ध लोग वहां थे जो प्रेशर कुकर बम और देशी और जो विदेशी रिवॉल्वर पिस्टल्स हैं, हथियार हैं, वो उनके पास हैं। आपको बता दें कि उन लोगों ने 3 लोगों को पकड़ा है, 4 फरार हैं। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि मलियाबाद से एक आतंकी और पकड़ा गया है जो कि संदिग्ध बताया जा रहा है। इसलिए लखनऊ कमिश्नरेट के अड़ोस पड़ोस के 5 जिले जो कि हरदोई, उन्नाव, सीतापुर और बाराबंकी हैं, उन पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें, हम इस चौराहे पे हैं जो हरदोई का व्यस्तम चौराहा है और इधर हरदोई से सीतापुर और बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर जाने की सभी सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस का कोई भी अधिकारी या कोई भी सिपाही दिख नहीं रहा है, 1-2 लोगों को छोड़कर। आपको बता दें कि ये मंसूबा चूंकि यूपी एटीएस का है, सरकार का मामला है, आतंकियों का मामला है, हो सकता है कि पुलिस इसमें पूरी संयमता रखकर इसको गोपनीय ढंग से इस कार्य को अंजाम दे रही हो। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आलोक सिंह, हरदोई। तो उत्तर प्रदेश एटीएस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अलकायदा संगठन से जुड़े 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल, कुकर बम, विस्फोटक सामग्री इनके पास से बरामद हुई है और इसके तार कानपुर और अयोध्या से भी जुड़े हैं। लगातार इन सभी जगहों पर छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2 आतंकवादी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ओसामा बिन लादेन भले ही मर चुका है, लेकिन उनके संगठन को सक्रिय करने के लिए, बहुत बड़े साजिश को अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग की गई थी, जो कि आपको बता दें जो गिरफ्तार किया गया था मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद निवासी रिंग रोड, तो वही दूसरा अभियुक्त जो था मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन निवासी सीतापुर रोड, इसको लखनऊ से एटीएस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो अलकायदा के संगठन से जुड़े हैं और इन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर में रह रहे संगठन जो आतंकवादी संगठन है वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त की, स्लीपर सेल बन के यहाँ पर लखनऊ पर पहुँचे और तो बहुत बड़े घटना को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। आपको बताते हैं कि लखनऊ सहित कानपुर अयोध्या तमाम ऐसे जगह पर जिसको निशाना बनाकर अलकायदा को प्रदेश में एक्टिव करने की कोशिश और प्लानिंग की गई थी, जिसको कि एटीएस द्वारा पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से एक पिस्टल और कुकर बम सहित बम विस्फोटक के तमाम सामान मिले हैं। आपको बता दें कि लगभग कई सालों से ये आतंकवादी लोग यहाँ पर रहकर अपने मनसूबे को अपने प्लानिंग को तैयार कर रहे थे कि 15 अगस्त से पहले ये बड़े घटना को अंजाम देने वाले थे और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों को निशाना बनाकर बड़े घटना को अंजाम देने के साजिश को एटीएस उत्तर प्रदेश ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि इनके जहाँ जहाँ लिंक है और जिन जहाँ जहाँ तार हैं वहाँ पर बराबर छापेमारी की जाएगी। उसके बाद जितने भी लोग इससे जुड़े हैं उनको जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश एटीएस गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।